घरेलू शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी जारी रही। बाजार पर विश्लेषकों का नजरिया। स्थिर राजनीतिक परिस्थितियों और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने रैली को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की। रुपया 83.56 प्रति डॉलर के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 83.41 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। L&T ने कंपनी के प्रोजेक्ट वर्गीकरण के अनुसार बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज बिजनेस के तहत कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। सिप्ला एथरिस GmbH में अतिरिक्त 3 मिलियन यूरो का निवेश करेगी। इन्फोसिस ने AI एम्प्लीफाइड मार्केटिंग सेवाओं का एक सेट इन्फोसिस एस्टर के लॉन्च की घोषणा की। कोफोर्ज को पेगा सिस्टम्स की ओर से इंटेलिजेंट ऑटोमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ABB इंडिया के IEC लो वोल्टेज मोटर्स पर्याप्त ऊर्जा बचत में योगदान करते हैं। भारत फोर्ज ने भारत फोर्ज अमेरिका इंक में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया है। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को डाबिगाट्रान इटेक्सिलेट कैप्सूल के लिए USFDA की मंजूरी मिल गई है। पिरामल एंटरप्राइजेज की शाखा पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस ने रिटेल लोन के AUM में 50,000 करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार कर लिया है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग दक्षिण मध्य रेलवे की 447 करोड़ की परियोजना शुरू करेगी। जुबिलेंट फार्मोवा मॉन्ट्रियल कनाडा में जुबिलेंट फार्मोवा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने USFDA ऑडिट पूरा कर लिया है। NBCC को आंतरिक कार्यों की योजना डिजाइन और निष्पादन के लिए 70 करोड़ रुपए का कार्य आदेश मिला है। आरती ड्रग्स ने 17 जून को दोपहर लगभग 2:30 बजे तारापुर महाराष्ट्र में अपनी एक यूनिट में आग लगने की घटना की सूचना दी है। रॉयल ऑर्चिड होटल्स ने नेशनल कैपिटल रीजन रीजेंटा इन गुरुग्राम में अपने चौथे होटल के उद्घाटन की घोषणा की। गैलेंट इस्पात को टोडुपुरा आयरन और ब्लॉक जिला करौली के लिए समग्र लाइसेंस के लिए सफल पसंदीदा बोलीदाता घोषित किया गया है। वानबरी की पाताल गंगा साइट ने USFDA निरीक्षण क्लियर कर लिया है। LT फूड्स ने दावत विश्व बिरयानी दिवस के लिए अभिनव AI सक्षम अभियान शुरू किया। एशियन एनर्जी सर्विसेज ने अपने JV पार्टनर इंडवेल के साथ सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी से 148 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड ने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अजित कुमार केके की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रेडिको खेतान भारत में रामपुर असावा इंडियन सिंगल माल्ट व्हिस्की लॉन्च करेगा। अशोक लीलैंड ने GDR की रेशियो में 60:1 से 1:1 में बदलाव की घोषणा की। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने 19 जून से मुकुंद गलगली को कार्यवाहक मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।